नमस्ते, सत श्री अकाल। आज एक महत्वपूर्ण दिवस है और एक महत्वपूर्ण दिन है। आज गुरु नानक देव साहब की जन्मदिन है। गुरु नानक जी ने हम आज से कई साल पहले, मैं उसके डिटेल अभी हमारे साथ भाई दया सिंह साहब हैं, उनसे थोड़े डिटेल लूंगा। लेकिन जैसे राम ने, कृष्ण ने, इन लोगों ने इस देश को, विवेकानंद ने, इन लोगों ने इस देश को रास्ता दिखाया था, उसी तरह से इस भारतवर्ष को जब थोड़ा स्पिरिचुअल आपस का थोड़ा वैर ज्यादा हो रहा था, उस समय गुरु नानक देव को, अब हम अगर हिंदू परंपरा में कहें तो हम लोग को लगेगा कि अवतार के रूप में आए, उन्होंने इंसानियत का पाठ पढ़ाया। और आज इसी पे दया सिंह साहब से मैं जरा समझने की दृष्टि से, मैं दया सिंह साहब से मेरी व्यक्तिगत रूबरू मुलाकात भोपाल में हुई थी, और मुझे इनके साथ जब मैं बैठा तो मुझे एक कुछ ये लगा कि सिख धर्म का जो रूहानी पक्ष है, जो उसका स्पिरिचुअल पक्ष है, वो ज्यादा समझ में आया। तो मैंने आज इनसे आग्रह किया कि आज गुरु नानक देव साहब की जयंती है, तो थोड़ा हमें गुरु नानक देव के चश्मे से जो सिख को जिस तरह से उन्होंने देखा, या सिख को क्या धर्म के रूप में देखा, या उस समय के सोशल रिफॉर्म के रूप में देखा जो समाज की व्याप्ति। दया सिंह साहब, आपसे पहली चीज यही कि गुरु नानक देव जब आए तो क्या उन्होंने एक धर्म विशेष को एस्टेब्लिश करने के लिए सब काम किया, कि उस समय जो समाज में समस्याएं थी, जो दिक्कतें थी, उसको दूर करने का बीड़ा उठाया था? एक्चुअली आनंद जी, एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि जब गुरु नानक आए तो यहाँ दो ताकतें काम कर रही थी। एक तरफ मुसलमान था और एक तरफ हिंदू था। उस समय उनका प्रकाश हुआ और उन्होंने आते ही उस धारणा को बदल दिया जो धारणा थी कि ईश्वर ही सत्य है। गुरु नानक ने इस बात को बदल के सत्य ही ईश्वर है इसमें बदल दिया। ये एक रेवोल्यूशन था। अब इसको धर्म का नाम ले या किसी और का ना, धर्म अपने आप में कुछ नहीं होता। धर्म एक रास्ता है जीवन शैली को, जीवन को जीने का। धर्म का कोई और अर्थ नहीं है। इसी तरह ये जो बाकी धर्म भी हैं वो भी इसी रास्ते या अपने जीवन शैली की बात करते हैं। तो गुरु नानक ने पहले बार आकर एक बात कही कि ईश्वर सत्य नहीं है, सत्य ही ईश्वर है। इस बात को एक, ये रेवोल्यूशन था, एक क्रांति थी। दूसरी बात एक और की उन्होंने, पांच इश्यूज पर उन्होंने काम किया। हमें कैसा समाज चाहिए? हमें ऐसा समाज चाहिए जो पाखंड मुक्त हो, जातिवाद मुक्त हो, शोषण मुक्त हो, नशा मुक्त और भय मुक्त हो। आप गुरु नानक के सारे ही जीवन की को देखेंगे तो इन पांच बिंदुओं के चपेरे वो गुरु नानक का विचार घूमता है। गुरु नानक ने अपने आप में कोई धर्म की स्थापना नहीं की, पर गुरु नानक के जो फॉलोअर थे, क्योंकि उनको सिख कहा गया तो यहीं से सिख धर्म की स्थापना हो गई कि आगे गुरु अंगद देव जी जब आए और सब लोग आए तो ये 10 गुरु साहिबान की जो परंपरा है इसे सिख लहर और सिख धर्म के तौर पर ही जाना गया। तो मेरा ये कहना था कि गुरु नानक ने पहले बार इस विचार को लोगों के सामने रखा कि जीवन में पाखंड जो है वो जीवन को तोड़ता है, जातिवाद जीवन को तोड़ता है, और इस जीवन को तोड़ने के लिए, समाज को तोड़ने के लिए हमें एक होने की जरूरत है, तभी हमारे अंदर ताकत आ सकती। एक बात और उन्होंने कही, जे जीवे पत लथी जाए सब हराम जेता किच खाए। अगर हम इज्जत से जी नहीं सकते तो हमारे जीने का भी कोई लाभ नहीं। पतविण पूजा सातविण संयम जातविण काहे जनेऊ। अगर इज्जत से हम पूजा नहीं कर सकते, इज्जत से हम रह नहीं सकते तो हमारे जीने का कोई अर्थ नहीं। तो दूसरी बात जो उन्होंने कही कि हमें आत्म सम्मान होना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना आत्म सम्मान है और उसको सम्मान से जीने की हिम्मत होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। जी, मैं दया सिंह साहब एक चीज और समझना चाहूंगा, क्योंकि जितना मैंने समझा है, और चूंकि धर्म थोड़ा आस्था की बात होती है तो लोग थोड़ा सेंसिटिव होते हैं, लेकिन जैसे मैंने जितना समझा उसमें से, खास करके गुरु नानक देव साहब ने, अभी हम लोगों को एक पिक्चर दी जाती है कि सिख धर्म जो है वो मुसलमानों के अगेंस्ट था, उनसे लड़ाई किया। नानक जी, गुरु नानक देव जो थे, वो इनका इससे कोई लेना देना नहीं था। आप कौन सा धर्म प्रैक्टिस करते हो, उनकी जो वाणी है उसमें उन्होंने बहुत सब धर्मों से, सब उसके अच्छी अच्छी जो बातें हैं वो ली हैं। मैं इस पे भी थोड़ा आपसे समझना चाहूंगा कि क्या वो किसी धर्म के विरोध थे, या
चाहे वो किसी धर्म में अच्छी बात थी तो उसको अपनाने में उनको उन्होंने कोई दिक्कत नहीं की, उन्होंने कोई उनकी तरफ से दिक्कत नहीं हुई। आपने बात को बड़े संक्षेप तौर पर पूरा कर दिया। एक बात हमें समझे, उन्होंने नए अर्थ दिए, जैसे जनेऊ धारण किया जाता था, पर उन्होंने कहा जनेऊ धारण करना है तो दया कपा संतोख सूत जत गंडी सत वट, ए जनेऊ जी का ही था पांडे गत। मतलब अगर तेरे जनेऊ में दया है, आपस में प्रेम है, एक दूसरे की इज्जत है, ये इस जनेऊ को अगर तुम धारण करना चाहते हो, मैं उसको पहनने के लिए था, मेरा कोई इनकार नहीं, पर उस जनेऊ में ये सोच होनी चाहिए, ये चिंतन होना चाहिए। अगर जब नमाज की बात हुई, जैसा आपने कहा कि धर्मों के साथ उन्होंने बल्कि एक नए अर्थ दे दिए धर्मों के, जब नमाज की बात की तो नमाज में कहा पांच नमाजा पांच वक्त, पांच नमाजें हैं और उसके पांच ही वक्त हैं, पंजा पंजे नाम और उनके पांचों ही नाम अलग अलग हैं, पर पहली नियत राज कर, तेरी नमाज तब अदा होगी जब तेरे इंटेंशन क्लियर हो, तेरी तेरी नियत ठीक, दूजी सच कमाए और सच पर चलने की हिम्मत। इसी तरह उन्होंने पांच नमाजों के भी पांच ही अर्थ दिए, जैसे जनेऊ के बारे में कहा उन्होंने उसके बारे में भी कहा। तो मतलब ये था गुरु नानक, उस सारे गुरु नानक की एक लंबी यात्रा रही, 1508 से लेकर 1521 तक उन्होंने 13 साल 25,000 किलोमीटर की यात्रा की, पूरे देश की ही नहीं उस समय के पूरे हिंदुस्तान की यात्रा की। एक बात मैं आपसे और बता दूं, हिंदू शब्द की परिभाषा भी गुरु नानक ने की। हिंदू शब्द की जब परिभाषा की तो उन्होंने कहा कि जो जातिवाद को मानता है वो हिंदू है, इसका मतलब जो जातिवाद को नहीं मानता वो हिंदू नहीं है, तो अर्थ भी साफ कर दिए कि हिंदू कौन है। तीसरी बात है कि हिंदुस्तान की वो भी बात आवा कर दी, जब बाबर ने हमला किया उस हमले को 1526 में सैदपुर में गुरु नानक ने अपने सामने देखा, तो उसमें जो बात की और वो भी जो उन्होंने बात की वो भी अपने दो बहुत सबसे नजदीक भाई लालो के सामने समर्पित की, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि हिंदुस्तान डराया, बाबर के आने से हिंदुस्तान का अवाम डर गया था। पर उसी में एक लाइन और कह देते हैं, हिंदुस्तान संभाल सी बोला, हिंदुस्तान का अवाम उठेगा और अपनी अजमत को पहचानेगा, और हिंदुस्तान का संभाल सी बोला अपनी अजमत को लेकर हिंदुस्तान को स्थापित करेगा। ये दो बातें भी गुरु नानक ने ही हमारे सामने रखी। तो मैं ये समझता हूं कि गुरु नानक ने अकेला धर्म और पूजा की बात नहीं की, उन्होंने जीवन के सारे ही उन स्वरूपों को, उन व्यवस्थाओं को अपने सामने देखा। अगर कुरुक्षेत्र में गए तो कुरुक्षेत्र में उन लोगों को उन्होंने समझाया। अगर आप जगन्नाथपुरी की बात करें तो आरती को एक नए शब्द दिए, गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक, मतलब सारी कुदरत के स्वरूप को जो आरती आप उच्चारण कर रहे हैं, आरती अगर करनी है तो सारी कुदरत के सामने कर दो। तो मैं समझता हूं कि गुरु नानक ने नए अर्थ दिए, इसीलिए मैंने जब भोपाल में आपने आपके सामने मैंने बात कही थी कि गुरु नानक से किसी ने पूछा कि आप ईश्वर के बारे में क्या समझते हैं, तो गुरु नानक ने कहा सत्य ईश्वर है। आप कभी देखें गुरु नानक का जो पहला जपजी साहब, जिसको जपजी साहब हम कहते हैं, उसके पहला ही मंत्र देखें तो उसमें कहते हैं आद सच, जो सत्य है वो आदि से है, जुगादि जुगों के आरंभ से भी सत्य था और सत्य को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, सत्य ही हमारा ईश्वर है, हम सत्य पर चलते हैं। जी जी, मैं एक चीज भाई साहब और समझना चाहूंगा आपसे, गुरुवाणी जो है वो कितना उसका गुरु नानक देव साहब ने उसके रचना की, कितना बाद में उसमें जुड़ा, एक तो ये जरा बताइए, और क्या उसमें केवल सिख धर्म की बात हुई या उसमें सब धर्मों से, सब धर्मों के शब्द सब धर्मों से लिया गया, सारी भाषाओं को उन्होंने कोई रोक नहीं लगाई कि ये भाषा भाई हिंदू बोलते हैं, ये मुसलमान बोलते हैं, ये पारसी बोलते हैं। और दूसरा मुझे जरा उनके शिष्यों के बारे में भी बता दीजिए, उनके जो शिष्य थे वो कौन सा धर्म प्रैक्टिस करते थे, थोड़ा इसके बारे में भी बता दीजिए। आपका ये बहुत सवाल मौजूद है, उसका एक कारण है कि जब गुरु नानक ने 1508 में वेई नदी जो कपूरथला के पास सुल्तानपुर लोधी है वहां से वो पहली अपनी यात्रा शुरू करते हैं, ना को हिंदू ना मुसलमान, अल्लो राम के पिंड प्राण, इस विचार को लेकर वो वहां से उस यात्रा पर चलते हैं। वो अपने कांच में एक किताब रखते हैं, वो किताब क्या है, वो डायरी है उनकी, वो रोज की डायरी लिखते हैं।
अगर डायरी की परंपरा देखनी हो तो गुरु नानक से समझनी चाहिए, और गुरु नानक के साथ एक मर्दाना जी हैं जो उनके साथ चलते हैं, जो मुस्लिम है तो वो उनका बड़ा साथ है, तो दोनों साथ ही चल पड़ते हैं उसी 13 साल की यात्रा, एक लंबी यात्रा में। अब वो जहां भी जाते हैं अगर अपनी कोई रचना करते हैं तो किताब उस डायरी में लिख देते हैं, उस समय बाकी गुरु तो थे नहीं, वो आप ही थे, तो उन्होंने अपनी रचना की, उन्होंने कोई ऐसी बंधक नहीं बनाया कि किसी जबान पर उन्होंने कोई बंदश बनाई हो। उन्होंने साउथ में गए तो उसमें लिखी, संस्कृति को नया एक रूप दिया, संस्कृति श्लोक, संस्कृत के श्लोक नहीं थे वो, संस्कृति के साहित्य के श्लोकों में उन्होंने संस्कृत का उच्चारण किया, उसको देखा। तो मैं समझता हूं कि गुरु नानक की जो ये बात है, अकेले गुरु नानक की वाणी 31 रागों में उन्होंने वाणी की रचना की जो गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित है, और सबसे ज्यादा बड़ी वाणी गुरु नानक और गुरु अर्जन देव जी की, जो पांचवें गुरु थे, उनकी वाणी सबसे ज्यादा है। और 15 भगत जिसमें कबीर है, रविदास है, धन्ना है, पीपा है, रामानंद है, इन सब की वाणियों को भी गुरु ग्रंथ साहब में उन्होंने वो अपनी डायरी में लिखा, जो बाद में गुरु ग्रंथ साहब के तौर पर संपादित हुआ। तो उसमें कबीर के श्लोक हैं, उसमें फरीद के भी श्लोक हैं, मतलब फरीद का भी वाणी उसमें अंकित की है। तो उन्होंने सब लोगों की, उन्होंने सोचा कि अगर समाज को एक बनाना है, पूरे समाज को एक तरह चलना है, तो हमें एक स्थापना करनी पड़ेगी, एक समाज बनाना पड़ेगा, उसके लिए समझना पड़ेगा, और समझने के लिए उन्होंने इस डायरी को और जो बाद में गुरु ग्रंथ साहब आदि ग्रंथ के तौर पर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने स्थापना हरिमंदर साहब में की अमृतसर में, ये उसी में से निकला। मैं एक चीज भाई साहब और समझना चाहूंगा, और इसलिए क्योंकि आपने भोपाल में उसमें समय ज्यादा था, आपने व्याख्या ठीक से की थी। कहीं आप जब गांधी आते हैं और जब वो ईश्वर की खोज और सत्य की बात करते रहते हैं, तो वो बहुत, आप जैसा आप उसको एक बार आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा, वो बिल्कुल प्रभावित दिखाई देते हैं गुरु नानक देव की सीख से, जो गुरु नानक देव ने प्रैक्टिस किया था, जो शिक्षा दी थी, उसका मोर ऑर लेस मिरर इमेज गांधी ने उसको शायद 600 साल बाद या 500 साल बाद उसको आत्मसात किया था, वो एक बार थोड़ा सा बता दिए दर्शकों को। मैंने उस दिन एक बात बहुत कही, और मैंने ये बात गांधी प्रतिष्ठान में भी प्रशांत कुमार के सामने भी रखी। मैं कहा बड़ा अजीब बात लगती है, इसको संयोग कहें या कुछ भी समझें, गुरु नानक 1469 में उनका प्रकाश है, और 1469 में प्रकाश है तो वो आवाज देते हैं सत्य ईश्वर है। मैं हैरान हुआ कि पूरे 400 साल बाद गांधी का प्रकाश हुआ, गांधी का जन्म हुआ। अब जब गांधी का जन्म हुआ तो गांधी ने से पूछा तो गांधी ने कहा सत्य ईश्वर है। तो मैं ये समझता हूँ ये संयोग है कि गुरु नानक 400 साल पहले जिस बात को कहते हैं, मैं ये कहीं नहीं कह रहा कि गांधी ने गुरु नानक को पढ़ाओ, मेरा ये कोई क्लेम नहीं है, मैं इसको क्लेम भी नहीं करना चाहता, पर सत्य जो सत्य है, मैं समझता हूं कि 400 साल बाद गांधी उसी बात पर खड़े हुए जिस बात पर गुरु नानक खड़े थे। तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा संयोग है कि गांधी ने भी सत्य को ईश्वर माना। जब मैं राम की बारे में सोच रहा था, और मैं जब प्रशांत जी के साथ बात कर रहा था, मैं हैरान हुआ कि हे राम जहां लिखा है, गांधी का राम भी बड़ा कमाल का है। अगर आप देखें तो वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीर पराई जाने रे, अगर गुरु नानक को पढ़ें तो गुरु नानक कहते हैं नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अति नीच, नानक तिनकै संग साथ, वड्या स्यों क्या रीस, जिथे नीच संभालियन तिथे नदर तेरी बख्शीस। जैसे जहां वो गरीब आदमी जो अंतिम छोर पर बैठा है, जहां उसके दर्शन है, मुझे तो परमात्मा वहीं दर्शन होते हैं। तो मैं कई बार हैरान होता हूं कि 400 साल बाद जो हम पढ़ रहे हैं, 400 साल पहले भी उसकी स्थापना हुई, यहाँ जो मैंने आपसे बात उस दिन कही, ये जो स्थापना है ये बहुत कमाल की है। मैं समझता हूँ कि आज भी अगर आज भी हम सोचें, अब जैसे हम उस दिन भी चर्चा कर रहे थे, आज भी अगर हम सोचें तो सत्य ही ईश्वर है, अगर इस पर चल पड़े तो जो हालात बन रहे हैं उनसे हमारा पीछा छूट सकता है, उससे हमें निजात मिल सकती है, मेरा ये मानना। भाई साहब मैं चलते चलते एक अंतिम प्रश्न कर लूं, क्योंकि वो थोड़ा प्रश्न एक अलग सा है उसको। मैं जब गुरु नानक जी का जितना आप वैसे भी पढ़ा जितना हुआ, वो किसी भी राष्ट्र को भौगोलिक सीमा से नहीं बांधते थे, उनके लिए पूरा
पूरा दुनिया, पूरा संसार उनका था। और दूसरी बात जो मैंने एक देखी, वो किसी राष्ट्र को, ये भारतीय है, ये पाकिस्तान, मतलब उस समय जो भी रहा हो, ये आर्यन है, वो इंसानियत को ही एड्रेस करते थे। मैं जरा इस पे समझना चाहूंगा कि इन, और ये गांधी ने भी बहुत साल बाद इसको प्रैक्टिस किया कि वो इंसान ज्यादा इंपॉर्टेंट था बनिस्पत वो किस देश से आता है, और भौगोलिक सीमाओं से कोई मतलब नहीं था, आप किसी उससे आते हो उसके बियॉन्ड इन लोग एड्रेस करते थे। मैं थोड़ा इस पे आपसे एक उनकी जप वाणी का जो लास्ट श्लोक है, अगर हम उसी को समझ लें, जो वसुदेव कुटुंबकम की बात हम कहते हैं, वो कहते हैं पौन गुरु, पवन जो है वो गुरु है, पौन गुरु पानी पिता, और पानी के बिना हमारी जीवन नहीं, हवा और पानी के बिना हमारा जीवन नहीं है, पौन गुरु पानी पिता माता धरत मात, धरती के बिना किसी का जन्म नहीं हो सकता। तो धरती पूरे विश्व को, जब हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं तो ये गुरु नानक से हमें समझ लेना चाहिए, जब वो कहते हैं पौन गुरु पानी पिता माता धरत महत, दिवस रात दो दाई दाया, दिनों रात हमारे लिए दाई का काम करते हैं, हमारे लिए नर्स का काम करते हैं, दिवस रात दो दाई दाया, खेल है सगल जगत, सारे संसार में ये खेल चल रहा है। तो इसी से जो आपने सवाल किया, मैं समझता हूं कि गुरु नानक ना तो किसी एक खास कालखंड में है, और ना ही उनको किसी एक इलाके में बांधा जा सकता है, ना ही उनको किसी एक जबान में बांधा जा सकता है, ना ही किसी और सिस्टम में बांधा जा सकता है, गुरु नानक है। तभी मैंने, जब मैं आपके सामने जगन्नाथपुरी की बात की और जो उन्होंने विचार, कुदरत को देखने का विचार प्रकट किया कि आरती कैसी हो, गगन में थाल रव चंद दीपक बने तार का, मंडल जनक मोती धूप मल्यान लो पवन करो चवर करो, कैसी अनराय फलंत ज्योति, तो ये जो बात उन्होंने कही, ये कुदरत को देखने, कुदरत दिस है, कुदरत सुनी है, कुदरत पाव सुख सार, कुदरत पाताली आकाशी, ये जो कुदरत है यही स्थापित है, और इसकी हमें ध्यान रखना चाहिए, इसके अंदर हमें जीवन जीना चाहिए, ये गुरु नानक का संदेश जी। चलते चलते भाई साहब एक चीज और, अंतिम प्रश्न, सत श्री अकाल बोले सो निहाल, ये जो था बोले सो निहाल सत श्री अकाल, इसकी पूरी मीनिंग और ये इस अभिवादन को या इस वाक्य से मतलब क्या, और किसने इसको इसको बोलचाल की भाषा में कौन लाया इसको? बहुत अच्छी बात आपने की, सत्य श्री अकाल क्या है, सत्य ही श्रेष्ठ, सत्य श्री का अर्थ श्रेष्ठ, और अकाल है जिसका कभी मौत नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता, जिसका कोई काल नहीं, तो ये है सत्य श्री, सत्य श्री अकाल। और आपने बोले सो निहाल, बोले जो इसको बोलता है वो निहाल हो जाता है, वो आनंद में ही हो जाता है। ये जो शब्द का उच्चारण, मैं ये तो अभी तक किसी सामने हमारे नहीं आया, पर ये बोला जो है, ये गुरु गोविंद राय से जब गोविंद सिंह बने, ये कभी आपसे चर्चा करेंगे, गुरुओं सिखों के दसवें गुरु का नाम गुरु गोविंद राय है, गोविंद सिंह नहीं। पटना साहब में जिनका जन्म हुआ, जिनका प्रकाश हुआ, उनका नाम गोविंद राय रखा गया। जब वो गोविंद सिंह बने, वो जो गोविंद राय से गोविंद सिंह की बनने की जो एक यात्रा है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो जब आपको समय गुरु गोविंद सिंह के उस पर आपको लगेगा तो उस पर ये चर्चा करेंगे, इसको लंबी चर्चा ना करूं, पर मैं ये समझता हूं कि बोले सो निहाल सत श्री अकाल, जो सत्य और श्रेष्ठ पर चलता है, जिसका कभी मौत नहीं होती, यही जीवन का रास्ता है, और यही वो निहाल हो जाता है, और वो जब निहाल हो जाता है, इसलिए इसको भी किसी धर्म के बंधन में नहीं बांधा जा सकता, किसी चौकटे में नहीं बांध के रखा जा सकता, ये हम सब के लिए है। ये भारतीयता की अगर कहीं पहचान देखनी हो तो मैं समझता हूं कि या तो गुरु ग्रंथ साहब से देखी जा सकती है, जिसमें 15 भक्तों की वाणी है, 11 भट्टों की वाणी है, 6 गुरुओं की वाणी है, अगर कहीं साहित्य को देखना हो तो इससे ज्यादा। अभी UN में 3 शब्दों का को UN चार्टर में लिया गया, और 3 शब्दों को चार्टर में लिया गया, गुरु नानक के 3 शब्द हैं। तो मैं समझता हूं कि इस समय विश्व स्तर पर जो प्यार और संबंध है, ये गुरु नानक का, ये अगर हम सब लोग मिलाए, मुझे तो खुशी तब हुई जब मैंने आर्य समाज और सिख समाज को मैं एक मंच पर लाया, तो हमने इन 5 बिंदुओं पर काम किया, हमने कहा आओ मिलकर इन 5 बिंदुओं पर काम करें, आओ मिलकर आगे चलें, यही रास्ता है जी। फिर से चलते चलते
बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत सत श्री अकाल, बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया।